आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम के बारे में। इसी साल 1 अगस्त वाले दिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया था कई प्रोजेक्ट्स को, जिसमें से एक प्रोजेक्ट ये लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम थी। इस मिसाइल सिस्टम को सिंपली एक्सप्लेन किया जाए तो कहा जा सकता है कि निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का एक मॉडिफाइड वेरिएंट बनाया जाएगा, जिसका प्रयोग भारतीय वायुसेना और नौसेना करेगी। लेकिन आप तो अल्फा डिफेंस के व्यूअर्स हैं ना, तो आपको तो डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखिए, आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले एक न्यूज़पेपर की तरफ से कहा गया था कि अरिहंत सबमरीन का हैच जो रियर में है उसको खुला छोड़ दिया गया था और इसी वजह से ये सबमरीन डूब गई थी। वेल, सबमरीन को कुछ नहीं हुआ था, न्यूज़पेपर के एडिटर का दिमाग डूब गया था। अब ऐसे ही कुछ एडिटर्स की तरफ से कहा गया है कि निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के जो टेस्ट किए गए थे उसमें से कई सारे टेस्ट फेल हो गए थे और हर टेस्ट के बाद में एक न्यूज रिपोर्ट निकल कर आती थी कि टेस्ट फेल हो गया है और जो टीम निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम बना रही थी वो हंसती थी और उसके बाद काम पर लग जाती थी। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो सिस्टम दिखाई दे रहा है वो रशियन इंजन से पार किया जाता है और ये रशियन इंजन टर्बो जेट इंजन है। इस सिस्टम को बेसिकली इंडियन आर्मी के लिए बनाया जा रहा था और कुछ रिपोर्ट्स हैं कि कुछ मिसाइल सिस्टम इंडियन आर्मी की तरफ से बॉर्डर के पास में डिप्लॉय की गई थी। हालांकि हम लोग इस न्यूज को कंफर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इंडिया टुडे की तरफ से दी गई थी मैं इसको पूरी तरीके से खारिज नहीं करूंगा। वहीं इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट एक ज्यादा रेंज वाली मिसाइल सिस्टम की थी और इंडियन एयरफोर्स को एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो फाइटर जेट के साथ में इंटीग्रेट किया जा सके। इस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए टर्बो जेट इंजन रिप्लेस करके टर्बो फैन इंजन के साथ में ये मिसाइल सिस्टम को फर्दर डेवलप किया गया और जो मिसाइल सिस्टम बनाई जा रही थी उसका नाम था इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल सिस्टम। आइडिया था कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज भी बढ़ानी है, साथ ही साथ इसमें 100% इंडिजिनस कंटेंट होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट को लेकर जो पीडीसी की डेडलाइन एस्टैब्लिश की गई थी वो जुलाई 2023 की थी और इस टाइमलाइन के अंदर ही पीडीसी कंप्लीट कर लिया गया था। भारत सरकार को भी इस प्रोजेक्ट की अहमियत पता थी, इसी वजह से 1 अगस्त को इन प्रिंसिपल अप्रूवल देकर इस प्रोजेक्ट को एक मिशन मोड प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था और यही मिशन मोड प्रोजेक्ट लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम का है जो इंडियन नेवी और एयरफोर्स के लिए बनाई जा रही है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल के हिसाब से ये मिसाइल सिस्टम साल 2027 तक प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार होनी चाहिए, यानी कि अगले 4 साल के अंदर इस मिसाइल सिस्टम के सारे टेस्ट कंप्लीट किए जाने हैं और हमारे पास में जो अपडेट है उसके हिसाब से इस मिसाइल सिस्टम का फैब्रिकेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। देखिए, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम की रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा होने वाली है और मोस्ट लाइकली इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में इसके पहले टेस्ट शुरू हो जाएंगे। इस मिसाइल सिस्टम के लिए एक बेहतर शॉर्ट टर्बोफैन इंजन बनाया जा रहा है जो ज्यादा एफिशिएंटली फ्यूल बर्न करेगा और ज्यादा रेंज प्रोवाइड करेगा। देखिए, इस समय वर्ल्ड में जो बेस्ट क्रूज मिसाइल सिस्टम्स हैं वो रशियन कैलिबर और अमेरिकन टोमाहॉक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स हैं, लेकिन दोनों मिसाइल सिस्टम्स की फिलॉसफी पूरी तरीके से अलग है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर टोमाहॉक, कैलिबर और निर्भय के स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। देखिए, रशियन फिलॉसफी सिंपल है, अगर उनको ज्यादा रेंज चाहिए होती है तो वो मिसाइल सिस्टम की साइज बड़ी कर देते हैं और ज्यादा फ्यूल का मतलब है ज्यादा रेंज। हालांकि अमेरिकन फिलॉसफी डिफरेंट है और उनकी तरफ से कोशिश की जाती है कि एफिशिएंट इंजन का प्रयोग किया जाए और अगर आप निर्भय के स्पेक्स देखेंगे तो काफी हद तक इसके स्पेसिफिकेशंस टोमाहॉक के करीब हैं, वहीं पर कैलिबर मिसाइल सिस्टम की ज्यादा रेंज वाली मिसाइल सिस्टम्स ज्यादा बड़ी प्रोफाइल के साथ में आती हैं और इसी वजह से वो ज्यादा फ्यूल कैरी करके ज्यादा लंबी दूरी पर मार कर सकती हैं। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम सिमिलर प्रोफाइल में ही आएगी, लेकिन इस मिसाइल सिस्टम की रेंज ज्यादा होने वाली है। इस मिसाइल सिस्टम के 2 अलग अलग तरीके के सीकर प्लान किए जा रहे हैं, पहला जो RF सीकर के साथ में आएगा और दूसरा जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर के साथ में आएगा। और इन सब चीजों में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है वो है इसका वॉरहेड। ये मिसाइल सिस्टम कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ साथ स्ट्रेटेजिक वॉरहेड भी कैरी करने में सक्षम होगा, यानी कि ये भारत को एक लॉन्ग रेंज पर न्यूक्लियर ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।